जैसे ही सुबह उठा और सुबह उठती एक न्यूज मिली तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसको शेयर करनी चाहिए। और देखो मैं आ चुका हूँ और उस न्यूज को आपको बताता हूँ। वैसे तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अपन उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलो, मेरा नाम है हिमांशु और आप आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एचओ समझाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम खोला और इंस्टाग्राम पे कृति सनोन ने एक पोस्ट डाल रखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि वी आर पोस्टपोनिंग द डेट ऑफ आदिपुरुष। मैं आपको एकदम ये पिक्चर शो कर देता हूं कि इस पे क्या लिखा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उठा और एकदम से ऐसा मिला कि यार हमने जो उसको इतना बड़ा बुरा कहा वो काम आ गया। मजाक की बात नहीं, सच में कह रहा हूं, अपनी वजह से ही हुआ। जब इसका टीजर लॉन्च हुआ था तो हर तरफ इसकी बुराइयां चल रही थी कि क्या सीजीआई है, क्या वीएफएक्स है, क्या क्वालिटी है और ये क्या कर रखा है जगह। तो इनके मेकर्स और क्रिएटर्स और डायरेक्टर ने सोचा कि चलो अपन इसके ऊपर और थोड़ा ध्यान देते हैं और इसको पोस्टपोन करके इसके ऊपर और वर्क करते हैं, क्योंकि ये अपन को एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। वैसे अच्छा ही हुआ, शाहरुख खान की मूवी आ रही थी पठान 25 जनवरी 2023 को और ये आ रही थी 12 जनवरी 2023 को। इन दोनों के बीच में एक क्लैश होने ही वाला था क्योंकि दोनों ही अलग लेवल की स्टोरी है और दोनों का ही अलग लेवल का बेस है। क्योंकि शाहरुख खान की मूवी पठान जो है वो ऑलमोस्ट 4 साल बाद लेके आ रहे हैं और आदि पुरुष का भी एक रामायण वाला पूरा टोन है, तो वो भी एक अंदर से देखने की बहुत चाह है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा क्लैश हो जाता और दोनों के रिकॉर्ड्स फिर बॉक्स ऑफिस के वो बिगड़ जाते हैं। तो अच्छा ही हुआ कि पोस्टपोन कर दिया और एक अच्छा वीएफएक्स और सीजीआई वाली चीज अपन को मिलेगी, ये अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो 6 से 8 महीने और ले रहे हैं इसके पीछे। टीजर आने के बाद हर तरफ इसको बॉयकॉट ही करा जा रहा था, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, क्योंकि इसका सीजीआई और वीएफएक्स बहुत ही लो था और इनके डायरेक्टर अपन को कह रहे थे कि ये आईमैक्स वाली पिक्चर है, ये आपको सिर्फ थिएटर में समझ आएगी, ये आपके छोटी स्क्रीन पे नहीं समझ आएगी। अब क्या हुआ भाई, अब तुमने क्यों डेट बढ़ा दी? हम जाते हैं देखने 3D में, आईमैक्स में। तो नहीं, 3D में देखने जाते हैं, वहां हमको मिलते अच्छे वीएफएक्स। झूठ बोलने की भी हद होती है यार। तो अब देखा जाए तो जनवरी में एक सिंगल शॉट मूवी आ रही है सिर्फ पठान, उसके आगे पीछे और आसपास कोई पिक्चर नहीं है, तो और पिक्चर से एक्सपेक्टेशन पे बढ़ चुकी है और अब कंपटीशन में भी कोई नहीं, तो आराम से मूवी ग्रो कर सकती है। अगर स्टोरी अच्छी हुई बाकी सब तो अच्छी ही है, एज वी सॉ टीजर तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ बट दोनों अलग अलग बेस की पिक्चर है, ये स्पाय वाली पिक्चर है, वो पूरी अपनी लॉर्ड वाली पिक्चर है, भगवान वाली, उसके अंदर पूरा डिवोटी है, इस तरफ पूरा एक्शन है, तो दोनों तरफ कंपैरिजन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तरफ झुकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मेरा दोनों तरफ था, वैसे अगर दोनों आती तो मैं दोनों देखने जाता और दोनों को सपोर्ट करता, लेकिन आदि पुरुष को पोस्टपोन करने का आइडिया बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसके ऊपर ढंग से काम होगा और अपन को ढंग की चीज मिलेगी जो उसके ट्रीजर में तो बिल्कुल नहीं थी। तुम्हारा क्या मानना है, इनका ये आइडिया और ये जो अटेम्प्ट है ये सही है या नहीं, ये आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो और आप खुद भी इसको स्प्रेड कर सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, वी आर फ्री टू से क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना और अपन इंटरेक्ट भी वही कर सकते हैं। और अगर तुम्हें कुछ और चीज भी माइंड में है या तुम मुझसे चाहते हो कि मुझसे कोई वीडियो बनाओ तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ क्योंकि ज्यादा नहीं आते। और अगर इस यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक करके जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियोस आती रहेगी। अपन फैमिली बना रहे, वी आर फैमिली ना, दिस इज आवर चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा।